कि लास्ट के 4 डिजिट जो होते हैं मोबाइल के, वो काफी कुछ बताते हैं। बट मैं ऐसा मानता हूं कि मोबाइल नंबर जो डिजाइन करा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं वीडियोस को देखकर, तो कोशिश करिए कि पूरा नंबर ही अच्छा मिल जाए। मैक्सिमम आपके मोबाइल में 10 कॉम्बिनेशन होते हैं, और 10 कॉम्बिनेशन में से अगर आपको 70% तक अच्छे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो अच्छा है। अगर 3 कॉम्बिनेशन एवरेज हैं या बहुत ज्यादा खराब है, तब उनकी रेमेडीज जो है वो की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग लास्ट के 4 नंबर पर भी अपना रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का और न्यूरोलॉजिस्ट का ये मानना होता है कि जो लास्ट के 6 डिजिट हैं और 4 डिजिट हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि सीरीज जो आती है वो शुरू की जो है लगभग सबकी सेम होती है, तो इसका इम्पैक्ट सब पर सेम होता है। तो ये चीज काफी हद तक सही भी है, और काफी हद तक अपना अपना नजरिया है देखने का। मेरा नजरिया यह है कि पूरा नंबर देखो। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो 4 नंबर पर जाते हैं, तो आज उन्हीं 4 नंबर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि लास्ट के जो 4 डिजिट हैं अगर आपके, वो किस प्रकार से आपके नंबर पर इम्पैक्ट डालते हैं, और साथ साथ उनका क्या मीनिंग होता है। मैंने आप लोगों के ही कमेंट्स को सिलेक्ट किया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए, पहला जो नंबर है वो है 7125। इसमें जो मनी का फ्लो है, अगर मैं बात करूं 7125 के बारे में, तो रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहता है। 7-1 में मनी का जो फ्लो है वो बना रहता है, बट सर्टेन केसेस में थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। आपका जो पार्टनर होता है वो अट्रैक्टिव होता है, हेल्पफुल होता है, साथ साथ कम्युनिकेशन आपकी सुचारू रूप से चलती रहती है। कॉल्स जो है वो ऐसी आती हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, और खुद से आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी मतलब अच्छी होती है, बहुत सुदृढ़ जिसे हम बोल सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं, वो आपकी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर आपका जो इंट्यूशन होता है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, वो आपका अच्छा होता है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आपका लास्ट का जो 4 डिजिट है उसमें 1875 अगर आ रहा है, तो वो आपको क्या देता है। देखिए, 1-8 जो है वो एक दूसरे के एंटी यहाँ पर नंबर्स हैं, और इसमें जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन फादर और सन, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होती है। इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी देती है, लेकिन ये सबके केस में दिक्कत नहीं होती, अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो ठीक भी रहता है। इसके बाद आपकी जो टॉकिंग है वो टू दी पॉइंट है। मैं ये कहूंगा कि आप काइंड हार्टेड काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी इसके अंदर आ जाती है। इसके साथ साथ आप बहुत बातचीत करने में बहुत ज्यादा परमानेंट काइंड ऑफ जो कमिटमेंट वाली जो चीज होती है वो आप रखते हैं। 7-5 भी आ रहा है, तो आप कंप्लीट एक तरीके से पर्सनैलिटी भी कह सकते हो आपको, और बट गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आपको आते रहते हैं। पब्लिक रिलेशन आपका अच्छा रहता है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि 18 नंबर आ रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करें। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चैनल पर बनी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। दूसरा आता है 8442। अब 8 अगेन थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, और यहाँ के लास्ट के 4 डिजिट में ये तीनों ही डिजिट जो है 2, 4 और 8 आपको अवॉइड करने को बोला जाता है, और ये अगर आपके केस में है तो यहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिलता है, डिले देखने को मिलता है, आपको इन्फेक्शंस, आपकी हेल्थ इश्यूज में दिक्कत आती है, और इसके साथ साथ आप इमोशनल बेंड भी रहते हैं। आप परमानेंटली वर्क तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेजी एलिगेंस जिसे हम कह सकते हैं, लेजीनेस आपके अंदर जो है वो देखने को मिलती है। इमोशनल सॉफ्ट स्पोकिंग लोगों की कॉल्स आपके पास आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो अप्रोच होती है वो काफी प्रैक्टिकल लेवल पर चलती है, तो ये एक चीज आपके सामने आपको देखने को मिलती है। अच्छा, नंबर में अगर 4-5 और 4-6 अगर आपके नंबर में आता है तो वो क्या कहता है। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। 4-5 जो है थोड़ा सा
ऐसा नंबर हो जाता है कि थोड़ा अप एंड डाउन देता है लाइफ में, हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, आपका मेडिकल एक्सपेंस भी कराता है। इसके साथ साथ अगर हम 4-6 को उधर देखें तो यहाँ पर आपका लव मैरिज, प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें देते हैं। और 4 नंबर लास्ट में आ रहा है तो अगेन आपको डिले जो है वो देता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों के नंबर में 4224 भी आता है, तो वो क्या देता है? देखिए, पेशेंस रखना होगा। अगर आपके पास ये नंबर है, आप एक इमोशनल बैंड के व्यक्ति या महिला हो सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस नंबर में ये आती है कि आप पेशेंस रखते हैं और अपने कार्यकलापों को चेंज करते रहते हैं। मतलब आप कभी भी एक सेटल प्लान पे वर्क नहीं करते, आपके अंदर डिप्रेशन आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये दिक्कतें आपको थोड़ी सी देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास 3334 है तो वो आपको क्या देता है? 3334 जो है वो नॉलेज देता है, एक प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन आपको क्रिएट करता है, और आप नॉलेज शेयर करने वाले पर्सन भी यहाँ पर हो जाते हैं। और एक तरीके से आपका जो मन होता है वो फॉरेन की तरफ जाने का मन करता है, और आपको वेट गेन की प्रॉब्लम आती है, कई बार आपको ब्रीथिंग इश्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर 3883 अगर आ जाता है तो ये पीस मेकर के रूप में वर्क कर लेते हैं, लॉ की अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन 888 की फॉर्मेशन है बीच में, 3883, तो काम जो होता है होता तो परमानेंट है, लेकिन होता थोड़ा सा डिले फॉर्मेशन में है, तो ये दिक्कतें आपको फेस करने को देखने को मिलती हैं। अगर आपके फॉर्मेशन में 6351 आता है तो यहाँ पर रिलेशनशिप में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, और 51 बहुत अच्छा नंबर है, 35 भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बट अगर आप इसे प्रोफेशनली यूज करेंगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि 1 और 6 जो है, 1 आपको ये मतलब ईगो तो देता है, लेकिन 6 जो है आपको कांटेक्ट बना के भी देता है, और आपकी लंबी लंबी बातें भी करा देता है, गॉसिप्स कह सकते हैं हम, करा देता है। और आपकी जो अटैचमेंट दूसरे के साथ होती है वो गॉसिप्स जो होती हैं वो थोड़ी नॉलेजेबल गॉसिप्स भी हो सकती हैं। 51 आपको हेल्प करता है मनी मैटर्स में, काफी बढ़िया नंबर ये माना जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं और इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हैं। हालांकि ज्यादा देर की वीडियो बची नहीं है, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 9455 अगर आता है तो आपके पास बहुत सारे एनिमी हो सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। रिस्की वर्क में आप इन्वॉल्व होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स आपको आती है कई बार, जल्दबाजी में डिसीजन लेने की दिक्कत आती है, और लाइफ में सडन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ मैंने नंबर्स आज आपके कमेंट से लिए, क्योंकि आप बहुत सारे कंप्लेंट कर रहे थे कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको वीडियो बनाकर इसका जवाब दूँ, तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए, देखते रहिए, और इस तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और कोई भी नंबर अच्छा या बुरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। सारे नंबर अच्छे हैं मेरी नज़र में, हर नंबर का अलग एक महत्व है, अलग एक तरीके का काम करने का तरीका है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके।